नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चलाई गई है जिस योजना का नाम है गांव की बेटियां योजना 2024। बेटियों को सरकार दे रही है हर महीने 500 रुपये का स्कॉलरशिप। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप या तो इस योजना में कैसे आप लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट किया गया है, मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु, जाति और उसके मोबाइल नंबर और बैंक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए या 10 का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसी योजना का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब दिया है कि सन आपको 2023-24 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC और आवास सहायता योजना SC के लिए पोर्टल आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 31/5/2024 तक है, इस महीने की लास्ट तक है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। अब जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना आपको रजिस्ट्रेशन ओल्ड एंड न्यू गाँव की बेटियाँ, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद ये मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है, या तो नया एप्लीकेशन आवेदन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो नया आवेदन के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नया आवेदन के लिए करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट आपको अंकों में ID नंबर इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नया वाला पर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ से क्लोज आ जाइए, यहाँ से पहले रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे पहले इसमें आपको क्या होगा कि एप्लीकेंट जो आप पहले ये यूजर बनाए होंगे उसको आपको इसमें मेंशन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च या बैक के ऊपर क्लिक करना है, या बैक या ऊपर जाना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। नया एप्लीकेंट, ठीक है, आवेदन इस पर क्लिक कर सकते हैं न्यू के लिए, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, 9 अंक का ID दर्ज करना है, ठीक है, जो कि यहाँ से देख सकते हैं ID किस तरह का है क्या। स्कॉलर पोर्टल पर यूजर ID से पहले आपको नई यूजर जनरेट करने की आवश्यकता है, जो कि एग्जिटिंग बटन, ठीक है, एग्जिटिंग बटन जो कि ID जन्म प्रमाण पत्र इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। EKYC करना पड़ेगा आपको, OP वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका वेरीफाई जैसे करेंगे उसके बाद आपका ये होगा। तो बैलेंस नंबर यहाँ से डाल सकते हैं, तो सारा आप स्कॉलरशिप के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि समग्र EKYC होनी चाहिए तभी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। केवल फीमेल एप्लीकेशन ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, मेल के लिए नहीं है, ठीक है। ये 10 अंकों के एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करें, ठीक है। इसमें आपको 10 नंबर का जो एप्लीकेशन नंबर है उसमें दर्ज कर सकते हैं, OP को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसी साइट के ऊपर आपको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाएगा और उसे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है और मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाएंगे जैसे मैं बताया हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, ओल्ड या न्यू पेज पर स्क्रीन पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करके आपको जो भी निर्देश दिया जाएगा उसको आपको मेंशन करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। आपको लॉगिन करने के बाद उस लॉगिन को कैप्चा को मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट इस फॉर्म के अंदर हुआ होगा उसे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये अभी तक नहीं पेज ओपन हुआ है तो अभी जब होगा तो आप कर दीजिएगा, यदि नहीं हुआ तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा।